पूंजी कैपिटल अकाउंट जिसमें आप आधार को छोड़ रहे हैं और नई योजनाओं का के लिए पैसा रखते हो मंत्री महोदय, वो है 564। क्या देना चाहते हैं उस राजस्थान के किसान को जो राजस्थान के गांव में बैठा है? राजस्थान की 70% आबादी जिस किसान की किसान के धान्य पर निर्भर करते हैं, उसके साथ ये मजाक इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय, आपके 2021 का बजट, ये मैं पहली बात देता हूँ, उस समय आपने प्रावधान किया था, आपकी किताब ये कहती है 11,490 करोड़ का, और इस बार 21-22 में कर दो 9,818। यानी आप पूरे देश के अंदर अलग जगह रही आपकी पार्टी। आप कभी राजभवन पधारते हो, कभी आप मार्च निकालते हो, और आप 2,000 करोड़ रुपए का बजट या प्रावधान कम कर रहे हो, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? ये आपका असली किसान चेहरा है, मैं समझता हूँ। और इसी बजट स्टडी के अंदर अगर पेज 48 में जो तालिका है कि आपने कितनी राशि व्यय की, सभापति महोदय, 2019-20 में 9,147 करोड़ में राशि व्यय करते हैं 4,492, यानी 800 करोड़ कम, और 2020-21 में 11,490 में, उस दिन मुख्यमंत्री जी कह रहे थे दिसंबर तक काम करा, कह रहे थे 6,600 करोड़। अब दिसंबर के बाद आप सदन को यह बताएं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप मार्च में खड़े हैं, अब कितनी राशि व्यय कर दी आपने? मतलब प्रोजेक्शन कुछ करो और उसके बाद आप नतीजा कुछ दो, और आप आलोचना कर रहे हैं भारत सरकार की। मैं समझता हूं कि अभी जो बात आपने कही, एक बात आपको बताती हूँ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, मैं घुमाऊ नहीं घुमाऊ, मैं सीधी बात आपसे ही कर रहा हूँ। आप ये बताओ स्वामीनाथन आयोग कब बना और कब इसकी रिपोर्ट आई? आपको ध्यान नहीं होगा, मैं बताता हूँ दिसंबर 2004। आइए बता दो आप तो माननीय सभापति महोदय, उन्होंने नहीं लिखा है, आप तो आज लगे हाथ ही तीनों कानूनों के फायदे बता दो, आप हीरो हो जाओगे। सभापति महोदय, तीनों कानूनों के लिए किसान आंदोलन महोदय, आपने सुनो, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, आपने ये बोला कि अच्छा काम करने पर छाती थपथपाई जाती है, मंत्री जी बिरा जाए छाती तो फूटी जाती है, पीठ थपथपाई जाती है, आपने तो मैं बोला छाती थपथपाई जाती है, प्रेम में आप नहीं बोलोगे बीच में, नहीं नहीं आज मेरे में दम नहीं, हम थोड़े हो गए यार जान के, अरे जी प्रेम में दम नहीं, हम खैर मानो जान के। मंत्री महोदय, समय का काल चक्र घूम रहा है, समय का चक्र आपको आपकी हैसियत बता देगा, आप किस गुमान में हो। तो अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था ये जो स्वामीनाथन आयोग है, इसने दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 तक यूपीए सरकार के अंदर 5 अलग अलग प्रतिवेदन दिए, और 7 वर्ष तक ये उस समय की पॉलिसी पैरालाइज सरकार इस पर बिराजी रही, पूरी बैठी रही और कुछ नहीं बोले। आपने स्वामीनाथन आयोग का नाम ही नहीं लिया। 2014-15 में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार कहा कि कृषि लागत मूल्य आयोग की सिफारिश पर अब लागत के 50% से अधिक समर्थन मूल्य घोषित करने का आप काम करेंगे, ये ऐतिहासिक निर्णय है। और इस बार जो केंद्रीय बजट आया उसका लिख लो जाए पैरा 96, उसमें उन्होंने फिर ये कहा पूरे देश में एमएसपी के खरीद की व्यवस्था बदस्तूर जारी रहेगी और इसके लिए आवश्यक जितनी भी वित्तीय व्यवस्थाओं की सरकार करेगी, और किया भी। आपको ध्यान होगा इस बार रबी 2020-21 के अंदर जो एमएसपी घोषित की गई, आपकी एमएसपी 2000 गेहूं के अंदर 1925 से बढ़ाकर 1975, जो मैं 1525 से बढ़ाकर 1600, चने में 1875 से बढ़ा रही 5100, देखो सभापति मतलब क्या हो रहा है, और मैसूर में 4800 जो बढ़ाकर 5100, सरसों में 4425 से बढ़ाकर 4625। देखो ना अब इस सरकार की हालत है, मैं समझता हूं कि जो आपने खरीद की, आप ही के दिए उत्तर किसे मैंने एक आंकड़ा निकाला है,